वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो व्यूर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये कैपरी कटा हुआ है। ये फ्रंट और बैक दोनों है। इसको हमने अपने पैटर्न की मदद से काटा है और वो पैटर्न की वीडियो हमारी मौजूद है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और ये आप ये देख रहे हैं, ये हम इसकी मदद से बनाएंगे। हम ये बेल लगाएंगे। इसको असल में आपको पैंचा बनाते हुए दिखाना है कि किस तरह हम एक खूबसूरत सा पैंचा बनाएंगे कैपरी का। और ये मैं आप दिखा दूँ ये आपको, ये हमने जो है इसकी साइज कम करी हुई है क्योंकि ये बेल बीच में आएगी। तो ये हमारी टोटल साइजिंग इसकी 35 इंच है, ठीक है। और ये हमारी जो बेल है ये हमने ली हुई है, ये देख रहे हैं आप, 2.5 इंच की ये बेल है जो कि हमारे बीच में दोनों साइडों पर आएगी। तो सबसे पहले जो है हम इसको सीना शुरू करते हैं। तो हम ये पहले साइडें सीएंगे दोनों, ठीक है। ये साइडें सी कर फिर हम इसकी सेटअप करेंगे कि ये हम बेल किस तरह लगाएंगे। आप ये देख रहे हैं, मैंने ये पूरा अपना कैपरी जो है तैयार कर ली है। हमने अपना पजामा अपना ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगाकर हमने बीच की जो सिलाई ये सी ली है। और ये हमने साइडें सारी सी के कंप्लीट कर लिया है, ये देखें यहाँ तक। अब हम ये अपने पैंचे की तरफ आएंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसको इस तरह डबल करके फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसको ये हमें करना है कटिंग इसकी 2 इंच, 2.5 इंच पे, ठीक है। ये देखें पूरा हमारा आएगा 2.5 इंच। अब इस पीस को हम काट के निकाल देंगे, ये हमारा पीस यूज होगा। अब आपको हम दिखा दें, सबसे पहले हम एक पैंचा पूरा मैं आपको कंप्लीट तैयार करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये हमने लिया, ये हमारा पीस है, इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से। आप ये देख रहे हैं, इस तरह हमने इसको सी कर ऊपर से एक सिलाई लगाई है। आप ये दोनों तरफ से देखें, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये पीस जो है मैंने लिया है, यहाँ मैंने ओवरलॉक कर लिया। आप ओवरलॉक ना करें, आप इसको बारीक सा मोड़ के इस तरह फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद इसी तरह आपका शेप आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ओवरलॉक करें, आप इस तरह बारीक मोड़ कर एक सिलाई लगा दें इसके ऊपर। ये अब रेडी करने के बाद हम इसको एहतियात से ये वाला पीस हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद इसको पूरा मशीन चला देंगे। ये देखें पूरी हमारी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं ये हो गया हमारा। अब हम ये वाली बेल अपनी नीचे की तरफ लगाएंगे। इसको हम यहाँ से, ये हमारी किनारी आ जाएगी, हमें यहाँ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बेल की हमारी किनारी है। अब हम इसको यहाँ से लेंगे और पूरा सीने के बाद इसको उलट के बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर लगाया है ये इस तरह हम लगाएंगे और ये हमारा पैंचा इस तरह रेडी हो जाएगा। ये देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा कैपरी तैयार हो गया है। ये हमारे नीचे का पैंचे का लुक आएगा, ये आप देख लें इस तरीके से,
ठीक है, इसमें हमने लेंथ कम ली थी, 2 इंच को पहले हटाया था, उसके बाद इसके बीच में दोनों साइडों पे हमने बेल लगाई है, ये एक बेल ये और एक बेल ये, इसलिए हमने इलास्टिक कंप्लीट करी है अपनी। ये सब मैं आपको पहले मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर समझ में नहीं आए। और असल में हमें आपको ये पैंचा बताना था जो ये मैंने रेडी कर लिया, ये कैप्री का पैंचा। तो अगर आपको हमारा ये कैप्री पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.